ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो। ठीक है, आज वाला क्लास एकदम स्प्राइट है, सीधी बात है, नो बकवास। ठीक है, सो प्लीज पुट द हेडिंग परपेचुइटी। लिखो An annuity that goes on forever. An annuity that goes on forever. An annuity that goes on forever. आवाज तो आ ही रहा होगा ना मेरा, सबको आ रहा है? बाकी लोग को आवाज नहीं आ रहा मेरा? प्लीज कमेंट, यस नो, आ रहा है? ठीक है, आप चेक करिए एक बार। एन एनविटी दैट गोज ऑन फॉर एवर इज परपेचुइटी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर अ कंपनी paying dividends of rupees 10 every year forever. Let's consider a company paying dividend of rupees 10 every year forever. Every year forever. Market rate of interest, market rate of interest 15%. Market rate of interest 15%. Calculate the present value. Calculate the present value. तो हर साल 10 का डिविडेंड दे रहा है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो पहला डिविडेंड मिलेगा एक साल बाद, सो 10 into V square 10 into V cube dot 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 up to infinite, yes or no? ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? a by 1 minus r, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो v आएगा, तो क्या आएगा? 10v by d 10 by i, बिकॉज v इज 1 by 1 plus i, d इज i by 1 plus i, तो नीचे वाला 1 plus i कट, तो 10 by i बच रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? 15%। 10 को डिवाइड करो 0.15 से, बताओ कितना आ रहा है? 10 को डिवाइड करो 0.15 से, बताओ कितना आ रहा है? 10 को डिवाइड कीजिए 0.15 से, बताइए कितना आ रहा है? हाँ, 66.66 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू जनरेट अ कैश फ्लो ऑफ 10 एवरी ईयर पर एनम इन अरियर्स फॉर एवर, आई एम रेडी टू पे हाउ मच? 66 point something, राइट? यही अगर मान लो कंपनी का शेयर प्राइस 70 में मिल रहा है, 70 में, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जिस चीज का दाम मेरे हिसाब से आज 66 होना चाहिए, वो चीज कितना में मिल रहा है मार्केट में? 70 में, तो डिसीजन क्या लेंगे? नॉट बाय। यही अगर वो चीज 60 में मिलेगा तो क्या करेंगे? बाय करेंगे। समझा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे भी होता है। आपको जो भी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज मिल रहा है, आप पहले अपना कैश फ्लो के स्ट्रीम को प्रेडिक्ट कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और चेक कीजिए उसे सस्ता में मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है तो नॉट बाय, सस्ता मिल रहा है तो बाय। इज इट क्लियर? नोट में लिखना, वी कैन नॉट कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। वी कैन नॉट कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू oblique accumulated value. We cannot calculate the future value oblique accumulated value of perpetuity. समझ में आ गया होगा सबको? Future value तो हो ही नहीं सकता है ना, future का value तो हो ही नहीं सकता है। Is it clear? ठीक है, अब इसमें थोड़ा complexities discuss करते हैं, ध्यान देना। यही अगर मान लो हर साल के start में dividend मिल रहा है,
हर साल के स्टार्ट पे डिविडेंड मिल रहे, तो फॉर्मूला क्या बनता है, 10 + 10v, 10v² डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट a बाय 1 माइनस r, सो 10 बाय d, राइट। अगेन तुमको एक चीज समझा रहा हूं, एनविटी में अरियर का सिग्नेचर है आई, एनविटी में अरियर का सिग्नेचर है आई। सर सिग्नेचर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जब भी अरियर बोलेगा ना तो आई आएगा या फिर उसका भाई बहन लोग आएगा, आई टू, आई फोर, आई सिक्स, आई ट्वेल्व, डिपेंडिंग कि कैसा पेमेंट हो रहा है। यही अगर मान लो हाफ ईयर्स में पेमेंट हो रहा है, अरियर्स में पेमेंट हो रहा है, बट काम एनुअल में कर रहे हैं तो नीचे में क्या आएगा, आई टू। क्वार्टर्स में पेमेंट हो रहा है, काम एनुअल में कर रहे हैं, आई फोर। मंथ्स में पेमेंट हो रहा है, काम एनुअल में कर रहे हैं, आई ट्वेल्व। समझा, यही एडवांस करेंगे तो डी डी टू आ जाएगा, कंटिन्यूअस के केस में क्या आ जाएगा, डेल्टा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाए हैं परपेचुइटी का, जबरदस्ती फॉर्मूला बनाया है, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या बोलता है, ऊपर में हमेशा आएगा एनुअल का अमाउंट और नीचे में आएगा आई डी, आई टू डी टू डॉट डॉट डेल्टा, डिपेंडिंग की रेट, डिपेंडिंग की पेमेंट कैसा हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मंथली इन एडवांस हो रहा है, मंथली इन एडवांस तो क्या होगा, मंथली इन एडवांस हो रहा है तो क्या होगा, डी ट्वेल्व। सोचना ही नहीं था ना अपने को, तो अंदर से आ रहा होगा मंथली इन एडवांस का सिग्नेचर क्या है, डी ट्वेल्व। ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद भी नहीं मतलब समझा रहे हैं। अरियर में हो रहा है मंथली में, ठीक है, ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन लिखो, नोटेशन कुछ नहीं होता है। कल शाम को ही है, संडे को सुबह 9 से 12 क्लास है, ठीक है, स्केड्यूल हो गया है, मिस मत करना एकदम। और 24 तारीख को टेस्ट है, ठीक है। एक घंटे का टेस्ट होगा 24th को, ठीक है, एक घंटे का टेस्ट होगा। और जो लोग भी ऑनलाइन में, वो लोग को भी पेपर उसी समय देंगे, आप लोग भी तुरंत सबमिट करेंगे और तुरंत मार्किंग करके 8 बजे तक रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। सुनो, अब ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं 1500 का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, 1500 का पेमेंट हो रहा है क्वार्टरली इन अरियर, 1500 इज पर क्वार्टर, ठीक है। और अपने को आई टू दिया हुआ है 8%, अपने को आई टू दिया हुआ है 8%, ठीक है। और 10 साल के लिए पेमेंट हो रहा है, 10 साल के लिए पेमेंट हो रहा है, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 10 साल काट दो, पपी छुट्टी कर रहे हैं ना, 10 साल काट दो, ठीक है, फॉर एवर, ठीक है, 1500 पर क्वार्टर। एक बार समझने का ट्राई करें कि कितना तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। आज का क्लास का 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पहले परपेचुइटी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेफर्ड एनुइटी, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड एनुइटी और पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनुइटी, 4 पार्ट में डिवाइड किया आधा आधा घंटा करके, ठीक है। 1500 पर क्वार्टर है तो फॉर्मूला में क्या बोले थे, ऊपर में क्या आएगा देख के बताओ, एनुअल अमाउंट आएगा, ऊपर में क्या आ रहा है 6000, नीचे में क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा क्वार्टरली इन अरियर का सिग्नेचर क्या है, आई फोर, तो आई टू दिया हुआ तो क्या निकालेंगे, आई फोर। सो 1 प्लस, अब तुम लोग बड़ा हो गया, छोटा नहीं रह गया है, 1 + i2/2² = 1 + i4/4 to the power 4। यहां से i4 निकाल के बताइए कितना आ रहा है, i4 निकाल के बताइए कितना आ रहा है, सब लोग चैट बॉक्स पे आंसर बताएंगे। सब लोग चैट बॉक्स पे आंसर बताएंगे, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। अभी तक तो मैकेनिकल हो जाना चाहिए था, 0.08 को 2 से डिवाइड करें तो 0.04 आ रहा है, 1 में प्लस करें तो 1.04 का स्क्वायर, 1.04 टू द पावर 2/4 होगा ना, -1 × 4,
फाइनल आंसर बताइए। मैकेनिकल हो जाना चाहिए था ना यार, 0.08 को 2 से डिवाइड करके 1 से प्लस कर रहे हैं, तो 1.04 उसके पावर में 2/4 -1 फिर होल इनटू 4, एक बार में निकलना चाहिए था, सोच क्या रहा है। फाइनल से कितना आ रहा है, 7574 2.64। सेवन फाइव सेवन फोर 2.64, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ या ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक नेक्स्ट में आइए। 100 का पेमेंट हो रहा है एट टाइम 0 1 टू थ्री डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, आई दिया हुआ है 6.2%, ठीक है। 100 का पेमेंट हो रहा है, टाइम्स ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो क्या है ये एनुअल पेमेंट कितना है, 100 का है, अरियर में हो रहा है कि एडवांस में, एडवांस में हो रहा है, बिकॉज द फर्स्ट पेमेंट इज अ टाइम 0, तो नीचे में क्या आएगा, डी 0.062 बाय 1.062, आई बाय 1+i, इज इट क्लियर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ऊपर में हमेशा एनुअल अमाउंट आएगा। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 1712.9, 1712.9 आ रहा है क्या, किसका किसका कुरियर नहीं पहुंचा अभी तक हाथ उठाओ, किसका किसका घर पे कुरियर नहीं पहुंचा अभी तक हाथ उठाओ। CM1 का बात करो, किराया तेरा नहीं आया, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी मिला होगा ना, ट्रैक करना घर में जाके, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम लोग को दो किताब, दो तीन किताब मिला होगा, एक समरी वो घर पे खुद से करने का है, एक मिला होगा रिविजन नोट और एक मिला होगा टेबल बुक, तो कल से दोनों किताब लेके आएगा। जिसको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, आई रिपीट, जिसको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से बाकी दोनों किताब लेके आएगा, टेबल बुक, कैलकुलेटर और रिविजन नोट कल से लेके आएगा, ठीक है। कल से सम्स बनाएंगे, परपेचुइटी इज क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल है, एनविटी दैट गोज ऑन फॉर एवर इज परपेचुटी एनुअल अमाउंट बाय सिग्नेचर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, प्लीज पुट द हेडिंग डेफर्ड एनविटी, लिखो समथिंग विच इज नॉट इमीडिएट, समथिंग विच इज नॉट इमीडिएट, समथिंग विच इज नॉट इमीडिएट, ब्रैकेट में लिखना 0/1, 0/1 लिखो, हाँ ब्रैकेट क्लोज, समथिंग विच इज नॉट इमीडिएट। अब मेरे बात ध्यान सुनना, देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड इमीडिएटली। इमीडिएट का मतलब होता है जो डेफर्ड नहीं है, जो अपने कल किए थे लेवल एनविटी में, मतलब एनविटी या तो 0 से चालू होगा या फिर 1 से चालू होगा। इमीडिएटली का मतलब एनविटी ड्यू टाइम 0, इमीडिएटली मतलब अभी के अभी, इमीडिएट मतलब पहला साल से चालू होगा बट या तो 0 या फिर 1, इमीडिएटली का मतलब 0, इमीडिएट कैन बी 0 और कैन बी 1, बट डेफर्ड का मतलब क्या है, समथिंग विच इज नॉट इमीडिएट, मतलब बोलेगा मिनिमम 1 साल रुक के पेमेंट होगा। अब 1 साल रुक के पेमेंट या तो टाइम 2 से हो सकता है या 3 से या 4 से या 5 से। बहुत सिंपल से ग्राफ बना रहे, देखना टाइमलाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, डॉट 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 m, ठीक है, ये m+1 है और ये m+n है,
एनविटी है एन ईयर्स का, एनविटी जो है आपका वो है एन ईयर्स का, ठीक है। जो डेफर्ड पीरियड है वो है एम ईयर्स, जो डेफर्ड पीरियड है वो है एम ईयर्स, मतलब पहला पेमेंट कब होगा। कुछ नहीं बोला है तो अरियर मान के चलेंगे, अरियर का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ ईयर, तो पहला पेमेंट कब होगा, एम पे ना एम प्लस वन पे, एम प्लस वन पे, समझा। जब बोला ना एम ईयर्स डेफर्ड है तो एम को जीरो मान लो, एम को जीरो मान लो, और जब अरियर होता है तो पहला पेमेंट कब होता है, जीरो पे ना वन पे, वन पे, तो पहला पेमेंट यहां पर होगा और आखिरी पेमेंट यहां पर होगा, तुम समझा। 0 1 डॉट डॉट n है ना। अब बेसिकली ये पूरा क्या हो जाएगा, लेवल एनविटी, ये तो अपने कर ही रखे हैं कि पहला पेमेंट टाइम वन पे हो रहा है। बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुनो, अभी कुछ लिखो मत, कुछ लिखो मत, पहले समझ लो चीज को, कुछ लिखने का नहीं है, अब लिखने का दिन गया तुम लोग का, अब तुम लोग बड़ा हो गया। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब टानेंगे, टानेंगे ना, पहला पेमेंट जो एम प्लस वन पे हो रहा है उसको कितना साल के लिए टानेंगे, एम प्लस वन ईयर्स। अपने को तो जीरो पे लाना है ना प्रेजेंट वैल्यू, अपने को तो प्रेजेंट वैल्यू जीरो पे लाना है, सो वी टू द पावर एम प्लस वन, दूसरे वाले को कितना साल टानेंगे, उसके बाद डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, वी टू द पावर एम प्लस, इसके बाद में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वी टू द पावर एम आएगा कॉमन, वी प्लस वी स्क्वायर डॉट 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 वी टू द पावर एन, और ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेवल एनविटी का प्रेजेंट वैल्यू पेड इन अरियर्स फॉर एन ईयर्स। कॉपी खोल के देख लो एक बार, v v स्क्वायर v क्यूब डॉट 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 v टू द पावर n, ये लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। सो दिस इज नथिंग बट v टू द पावर m इनटू an। डेफर्ड में तो कुछ करना ही नहीं है ना सर, जो एनविटी है उसका फॉर्मूला लगाना है, जो एनविटी है उसका फॉर्मूला लगाना है, और एक्स्ट्रा जो खिंच रहा है उसको टानना है, खत्म हो गया बात। तो m m पीरियड डेफर्ड था, तो मैं क्या किया, मैं पहले खड़ा हो गया यहां पर, मैं पहले यहां खड़ा हो गया, जब मैं यहां से देखा तो क्या दिखा, एडवांस या अरियर, अरियर, समझ रहे ना। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू यहां निकाला टाइम एम पे, तो विच इज एन, फिर उसको एम ईयर्स और पुल बैक किया, तो वी टू द पावर एम इनटू एन, वेरी सिंपल। अब एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, किसको किसको यहां बैठा को लगता है कि अगर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे तो कुछ चेंज आएगा, हाथ उठाओ। अक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर नॉर्मल केस में और डेफर्ड वाले केस में अगर निकालेंगे तो कुछ चेंज आएगा, जो ये बात बोल दिया ना उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्यों बोलो तो, एकदम लॉजिक लगाइए। अक्यूमुलेटेड वैल्यू कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो डेफर्ड है ना, अक्यूमुलेटेड वैल्यू के केस में पैसा निकलता है एंड पे, यहां निकलेगा पैसा। तो अगेन सेम स्टोरी, पहला वाला अक्यूमुलेट हो रहा है कितना, एन माइनस वन ईयर्स, दूसरा वाला अक्यूमुलेट हो रहा है एन माइनस टू ईयर्स, एंड सो ऑन, लास्ट वाला अक्यूमुलेट हो रहा है जीरो ईयर्स। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ डेफर्ड एनुइटी, द ओनली चेंज इज इन द प्रेजेंट वैल्यू। कॉपी करो उसको। एक एग्जाम्पल लिखो प्राणी, तुम्हारा डाउट लेंगे एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल लिखो। कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ ₹600 पेड एट टाइम्स
7 डॉट 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 अप टू 10, आई अपने को दे दिया है 8%। ठीक है, अब इस सम को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, अरियर से भी सॉल्व करेंगे और एडवांस से भी सॉल्व करेंगे। देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, ठीक है, मतलब तुम अपना नजर में सही है ना, और कोई चीज का जरूरत नहीं है, मतलब लोग तो बोलेंगे ऐसा है वैसा है, दिमाग मत लगाओ उतना। जब मेरा लेवल पे आएगा 10 साल बाद तब तुमको समझ आएगा इट डज नॉट मैटर। फोकस क्या होता है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि 10 साल में क्या मैटर करता है। मान लो कोई कुछ तुमको बोल दिया, ठीक है, माइंड नहीं करने का है, क्योंकि आज बोल दिया कल तुम भूल जाएगा, लेकिन वो दिन तो एटलीस्ट तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा ना। तो नजरिया तुम अपना नजर में सही रहो, ठीक है, और कौन क्या बोल रहा है उतना दिमाग लगाने का दरकार नहीं। अच्छा बात बोल रहे दो बार सुनो, कोई उल्टा फुल्टा बात बोला दिमाग लगाने का दरकार नहीं है, ठीक है। कर्मा इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, जो तुम आज करेगा वही तुमको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, हम देख लिए, अभी नहीं समझ में आएगा 10 साल बाद 15 साल बाद, मे बी तुम चाइल्डहुड में कुछ किया होगा उसका बेनिफिट तुमको आज मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज होता है, सही टाइम पे सही जगह पे होना इससे अच्छा चीज लाइफ में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस सम को दो तरीके से क्यों सॉल्व कर सकते हैं, ये देखने का नजरिया है। अगर तुम टाइम 6 पे खड़ा होता है तो पहला पेमेंट कब होगा 6 पे? अरे नहीं गलत यार, कॉन्सेप्ट गलत बैठ रहा है जो बोला 7। एक चीज समझो, टाइम्स ऑफ पेमेंट तो फिक्स है ना, 6 से 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5 बार पेमेंट होगा। मैं बोल रहा हूं अगर तुम टाइम 6 पे खड़ा होता है तो तुमको क्या दिखेगा? एडवांस। अगर तुम टाइम 5 पे खड़ा होता है तो तुमको क्या दिखेगा? अरियर। क्योंकि अगर तुम टाइम 6 पे खड़ा होता है तो पेमेंट कब से चालू हो रहा है? 6 से, फिर 7 से। अगर तुम टाइम 6 पे खड़ा होता है, फिर से देखो, फिर से गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार बताऊंगा। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, डॉट डॉट ये 10 है। बात समझो, तुम्हारा यहां से लेके यहां तक पेमेंट हो रहा है, तुम यहां खड़ा होता है तो क्या दिखेगा? एडवांस। क्योंकि तुम जहां खड़ा है पेमेंट वहीं से चालू हो रहा है, समझा? तुम जहां खड़ा है पेमेंट वहीं से चालू हो रहा है। पेमेंट कितने का है? 600 का है। पेमेंट कितने का है बोलो ना मुझसे, 600 का है। तो 600 प्लस 600V प्लस 600V स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 600 क्या होगा बताओ? लास्ट में क्या होगा बताओ? V टू द पावर 4। 4 ना, 10 से 6 पे ला रहे तो 4 साल टान रहा है, ठीक है। तुम 600 कॉमन ले लो, तुम 600 कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर वी क्यूब वी टू द पावर 4, ये क्या है? दिस इज लेवल एनविटी फॉर 5 इयर्स पेड इन एडवांस, लेवल एनविटी फॉर 5 इयर्स पेड इन एडवांस। तो क्या बनेगा? 600 एडीयू 5, ठीक है। बट प्रेजेंट वैल्यू कहां आ रहा है? 6 पे आ रहा है। तुम 6 से क्या करेगा? 0 पे लाएगा। तुम क्या करेगा 6 से 0 पे लाने के लिए? क्या करेगा जल्दी बताओ? 6 से 0 पे लाने के लिए क्या करेगा? V टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई, V टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? कॉपी करो इसको, बता रहे हैं दोनों केस समझा रहे हैं ऐसी सेवा भाव से। अरियर, और पर इसका वैल्यू निकाले कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है बताइए? तो 600, 1 माइनस 1.08 टू द पावर -5 बाय 0.08 बाय 1.08, इंटू 1.08 टू द पावर -6। आया बेटा आंसर कितना आ रहा है इसका? तो वन सिक्स थ्री जीरो सबका आ रहा है, ठीक है। 1630.4422। यही सेम चीज को अब देखो, यही अगर मान लो अब मैं 5 पे खड़ा हो जाता हूं तो 6, 7, 10 तक रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? 600 into v plus 600 into v square plus dot 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 600 v to the power 5। ये पूरा चीज को फिर मैं क्या करूंगा, 5 साल पुल बैक करूंगा। सो v टू दी 600 v टू दी पावर 5 इंटू ए 5। और ये क्या होगा? एट द रेट व्हाट? एट द रेट व्हाट बताओ? 8%। सिक्स हंड्रेड 1.08 टू द पावर -5, 1 माइनस 1.08 टू द पावर -5 बाय 0.08। हाँ बोलो प्राणी। तब सर इसमें वी फाइव क्यों लिया हमने? क्योंकि 5 साल एक्स्ट्रा पुल बैक कर रहे हैं ना, अपने को प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे निकालना है। तो पहले जो एनवीटी अपने बनाए अरियर टाइम 5 पे खड़े होके, फिर टाइम 5 से अपने को 0 पे लेके जाना है। तो 5 साल पुल बैक होगा, इसलिए वी टू दी पावर 5। ठीक है सर। ठीक है, दोनों मेथड से देखना अपना आंसर सेम आना चाहिए, चेक कर लो एक बार।
यस कितना आ रहा है बताइए? सेम आ रहा है? ठीक है, नोट में लिख दो, इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी देयर विल बी नो चेंज इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी देयर विल बी नो चेंज In case of deferred annuity, there will be no change in accumulated value. नहीं, there will be no change in accumulated value. Present value में तो change हो ही रहे ना, क्योंकि extra turn रहे. जो पेमेंट मान लो जीरो से फाइव में होना था, अब वही पेमेंट छह से दस पे हो रहा है, तो एक्स्ट्रा टर्न रहा है, बट अक्यूमुलेटेड वैल्यू विल रिमेन द सेम. नो चेंज का मतलब क्या है तुम समझो? जैसे मान लो मैं बोलता हूं पांच पेमेंट होगा, जब पेमेंट वन टू थ्री फोर फाइव पे होता है, ठीक है, तो अपने अक्यूमुलेटेड वैल्यू यहां निकालते हैं, ठीक है. जब पेमेंट मान लो सिक्स सेवन एट नाइन, जब पेमेंट यहां से यहां होगा तो अपने अक्यूमुलेटर वाली यहां निकालेंगे ऊपर, मतलब ये. अच्छा, तो दोनों ही केस में जो वैल्यू जो आएगा वो तो सेम ही रहेगा. पेमेंट अगर यहां पर हो रहा है और यहां वाला जो वैल्यू है, पेमेंट अगर यहां पर हो रहा है यहां वाला जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा. बोलने का मतलब ये है, अगेन लॉजिक लगाओ ना, पहला पेमेंट चार साल अक्यूमुलेट हो रहा है, दूसरा पेमेंट तीन साल, दो साल, एक साल, जीरो साल, चार साल, तीन साल, दो साल, एक साल, जीरो साल, तो एवी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, कॉपी कर लो उस नोट को. accumulated value का बात हो रहा है, present value तो मैंने करा ही दिया, हाँ उसमें लेके, हाँ हाँ, इसीलिए फर्क आ रहा है, इसीलिए फर्क आ रहा है कि जब deferred होता है तो payment extra टनता है, इसीलिए फर्क आ रहा है. ठीक है, next heading लगाना, कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटी, ब्रैकेट में लिख दो, इंक्रीज विल टेक प्लेस एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज. इसको एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा इसका कोई, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है. लिखो, मेडिकल एक्सपेंस टुडे, टुडे मतलब क्या होता है, टाइम जीरो, 5000, पर ईयर इंक्रीज 2%, जो टाइम पीरियड है वो अपने ले रहे 20 इयर्स. Payments start after 1 year. Compound increasing का annuity का मतलब क्या होता है? Compound increasing annuity का मतलब होता है जब आपका जो increase है वो एक specified percentage से बढ़ेगा. जब आपका जो increase है
वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, आज का मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा कितना है, 5,000 रुपया, 20 साल का पीरियड मान के चलते हैं। बोलता है पेमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 ईयर, मतलब पहला पेमेंट कब होगा, टाइम 1 पे, क्योंकि आज अपने कहाँ खड़े हैं, टाइम 0 पे, मतलब साल के एंड पे पेमेंट होगा। बट आज के हिसाब से खर्चा कितना है, 5,000, तो 1 साल बाद खर्चा कितना हो जाएगा। ये सम कॉपी कर लिया, पूरा सम पूरा कॉपी कर लिया क्या? देखो आज के हिसाब से खर्चा है 5,000, बट आज तो खर्चा देना नहीं है। पहला खर्चा देना कब है, 1 साल बाद देना है ना, एक सेकंड को, पहला खर्चा देना कब है, 1 साल बाद देना है। तो जब अपने को खर्चा देना है 1 साल बाद, तो अपने क्या करेंगे, टाइम 1 पे अपने करेंगे 5,000 × 1.02, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंस बढ़ता है ना विद टाइम, कोई भी टाइप का खर्चा है वो विद टाइम बढ़ेगा, ठीक है। एंड मान लेते हैं अपने को आई दिया हुआ है 10% का, आई जो होता है ना इंटरेस्ट रेट, उसको हम लोग रिस्क डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, तो वो अपने को 10% का दिया हुआ है। तो टाइम टू पे क्या होगा बताओ, दो बार बढ़ेगा, 5,000 × 1.02 का स्क्वायर। टाइम 20 पे क्या होगा बताओ, 5,000 × 1.02 to the power 20, इसमें कितना पेमेंट हो रहा है, 20 पेमेंट हो रहा है। अब इसका हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 5,000 × 1.02 का पेमेंट है और 1 साल डिस्काउंट करेंगे, इसीलिए वी प्लस 5,000 × 1.02 स्क्वायर का पेमेंट है, उसको 2 साल डिस्काउंट करेंगे, इसीलिए वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 5,000 × 1.02 to the power 20, उसको 20 साल डिस्काउंट करेंगे, इसलिए वी टू दावर 20, ठीक है। ये कौन सा सीरीज है, जीपी सीरीज है, सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। चलो चालू करो, चालू करो, बैठने से नहीं होगा, ट्राई करो। इंटरेस्ट रेट 10% का दिया हुआ है, खाली 5,000 एक बार कॉमन लेना। अगर तुम लोग 5,000 कॉमन लेता है तो 1.02 V प्लस 1.02 V का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1.02 V to the power 20, कॉमन रेशियो क्या बन रहा है अपना बताओ, 1.02 V। टाइमलाइन बना लिया सब लोग, हाँ, 1.02 V क्या है देख लो, 1.02 by 1.1, सो दिस इज व्हाट, लेस देन 1 ना। तो अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 5,000 अपना बाहर है, ए ए मतलब क्या हो जाएगा, 1.02 by 1.1, 1 minus R 1.02 by 1.1 to the power n, इसमें कितना टर्म्स है, इसमें कितना टर्म्स है, 20 टर्म्स है। इस पूरा चीज को अपन डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 minus R से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और इसका कोई अक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अपने को अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 2 मिनट का ब्रेक भी है और इसको सॉल्व कर लो फटाफट से।
कितना रैंक सर? 4969.11599. चलो आंसर आ रहा है 4969.11. ठीक है. नेक्स्ट पुट द हेडिंग सिंपल इंक्रीज एनविटी. ठीक है, यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ेगा. जब एक रेट से बढ़ता है तो कंपाउंड इंक्रीज होता है, और जब एक अमाउंट से बढ़ता है तो, मेरा बात सुनो, जब एक रेट से बढ़ेगा तो कंपाउंड इंक्रीज, और जब एक अमाउंट से बढ़ेगा तो सिंपल इंक्रीज. अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान देना दोनों के बीच फर्क समझो. यहां पर क्या हो रहा था, कंपाउंड इंक्रीज. कंपाउंड इंक्रीज का मतलब क्या होता है, एक रेट से बढ़ना, परसेंटेज से बढ़ना. सिंपल इंक्रीज का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ेगा. अमाउंट से बढ़ने का मतलब क्या है, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसा करके एक अमाउंट से बढ़ेगा. जैसे सबसे पहले इसका अरियर्स वाला केस हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या होगा ना, पहला पेमेंट मान लो 1 रुपया का होगा, तो दूसरा पेमेंट 2 रुपया का, तीसरा पेमेंट 3 रुपया का, चौथा पेमेंट 4 रुपया का, एंड टाइम एंड पे जो पेमेंट होगा वो एंड रुपीज का होगा. माने पहला पेमेंट 1 का है और हर एक पेमेंट 1 रुपया से बढ़ रहा है, लेकिन कंपाउंड में क्या हो रहा था, एक परसेंटेज से बढ़ रहा था. यहां पर क्या हो रहा है, एक अमाउंट से बढ़ रहा है. कितना अमाउंट से बढ़ रहा है, 1 रुपया से. हम लोग का टास्क ये है कि इसका हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो अपने क्या करेंगे, 1 into v 2 into 3 into plus dot 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 plus n minus 1 into v to the power n minus 1 plus nvn. ठीक है, अब ये क्या, ये एजीपी सीरीज हुआ. एजीपी सीरीज का मतलब क्या होता है, शुरू वाला देखो एपी में है और बाद वाला देखो जीपी में है. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व नॉर्मली तो नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें 1 plus i से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अपना यहां पर क्या आ जाएगा, 1 plus i into pv. तो जब तुम 1 plus i से मल्टीप्लाई करेगा तो v into 1 plus i क्या बन जाएगा, सोच के बताओ, v into 1 plus i क्या बन जाएगा, 1. एक्सीलेंट. 2v square into 1 plus i क्या बनेगा, 2v square into 1 plus i क्या बनेगा,
टू वी, थ्री वी स्क्वायर, सॉरी थ्री वी क्यूब इंटू वन प्लस आई, थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन वी टू दी पावर एन माइनस वन. कुछ नहीं किया मैंने, मैंने सारे को वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अल्टीमेटली क्या है, वी वी स्क्वायर है. सबको जब वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिस्काउंट फैक्टर कम हो जाएगा ना, तो वी विल बिकम वन, वी स्क्वायर विल बिकम वी, वी क्यूब विल बिकम वी स्क्वायर, वी टू दी पावर एन माइनस वन विल बिकम वी टू दी पावर एन माइनस टू. एंड एक टर्म सरका के लिखा है, वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करके एक टर्म सरका के लिखा है, एक टर्म सरका के लिखा है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाला को माइनस ऊपर वाला को. ठीक है, तो ये देखो वन प्लस आई इंटू पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू वन माइनस क्या है, बोर्ड पे देख के बताओ, वन के संग माइनस में क्या है, जीरो, तो वन आएगा. प्लस टू वी के संग में माइनस में क्या है, टू वी के संग में माइनस में क्या है, वी, तो क्या आएगा, वी. थ्री वी स्क्वायर के संग में माइनस में क्या है, थ्री वी स्क्वायर के संग में माइनस में क्या है, टू वी स्क्वायर, तो क्या आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस. अभी देखो एन के संग में माइनस में क्या है, अरे वी टू दी पावर एन माइनस वन तो ठीक है, एन के संग में माइनस में क्या है, एन माइनस वन है ना. एंड ये जो पूरा चीज है, ये पूरा चीज किस में है, माइनस में है. हम लोग कर रहे हैं नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला का सारा टर्म जो है वो क्या है, माइनस में है. तो लास्ट वाला जो एक एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस एन वी टू दी पावर एन. पहले यहां तक कॉपी करो आराम से, ये टाइमलाइन कॉपी किया, हाँ पहले यहां तक कॉपी करो आराम से, पहले यहां तक लोग कॉपी करने दे. ये ऊपर वाला कॉपी हो गया प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कर लो आराम से, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं. इसमें क्या हो रहा है, सिंपल इंक्रीज एनविटी में एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ रहा है. अमाउंट से बढ़ने का मतलब क्या है, एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया. अगर मान लो सिंपल इंक्रीज एनविटी है 500 रुपया का, तो पहला पेमेंट होगा 500 का और हर एक पेमेंट कितना से बढ़ेगा, 500 से बढ़ेगा. अगर परसेंटेज बोलता है तो 2, 3, 4, 5, 6, 10% कुछ भी बोल सकता है, तो हर पेमेंट उतना परसेंटेज से बढ़ेगा. ठीक है, अपने किए हैं नीचे वाला माइनस ऊपर वाला. तो ऊपर वाले में अपने क्या किए हैं, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं और एक टर्म सरका के लिखे हैं. तो v इंटू वन प्लस आई क्या हो जाएगा, वन. टू वी स्क्वायर इंटू वन प्लस आई क्या हो जाएगा, टू वी. थ्री वी क्यूब इंटू वन प्लस आई क्या हो जाएगा, थ्री वी स्क्वायर. फिर किए नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, और ऐसा क्यों किए, ताकि ये फॉर्म में आए. ठीक है, जो बच्चा बता दिया ना कि ये क्या है, मैं उसको मान जाऊंगा. देखो n माइनस वन, तो ये क्या है, वन है ना बेसिकली. अरे n माइनस एन जीरो, n माइनस माइनस प्लस. तो बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, पी वी प्लस आई इंटू पी वी माइनस पी वी, अगर ब्रैकेट्स खोल देंगे तो, वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन वी टू दी पावर एन. ठीक है, इसको देख लो, इसको देख लो, और जो बच्चा बता दिया ना उसका सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर है कि ये क्या है. लेवल एनविटी पेड इन एडवांस फॉर एन ईयर्स, कॉपी खोल के देख लो क्या फॉर्मूला करवाए, वन प्लस वी. अरे बहुत सिंपल है, पहला पेमेंट जीरो पे हो रहा है, फिर वन पे हो रहा है, फिर टू पे हो रहा है, फिर थ्री पे हो रहा है, और लास्ट वाला जो पेमेंट है वो कब हो रहा है, एनथ ईयर का बिगिनिंग या फिर एन माइनस वनथ ईयर का एंड पे हो रहा है. ठीक है ना, सो बेसिकली पीवी पीवी कट, पीवी पीवी कट, बोलो हाँ कि ना, पीवी पीवी कट. तो क्या बचेगा, आई इंटू पीवी, हल्का जोश में आओ, ए डू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन. तो पीवी इज इक्वल टू ए डू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई. यस और नो, देख लो इसको आराम से. इसका जो नोटेशन होता है, कैपिटल आई स्मॉल ए, ये पूरा ब्रैकेट, और ऐसे नीचे में एन. आई मतलब होता है सिंपल इंक्रीज,
ये आई एक नोटेशन है सिंपल इंक्रीज का, ए डू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई, ए डू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई, इसका अगर अपने को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना होगा तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर ही अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है और इसमें पीएचली का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहां तक कॉपी हुआ? अब यही सेम चीज करेंगे एडवांस के लिए, हेडिंग लगाना एडवांस। एक बात बोले क्या, पूरा प्रोसेस सेम है, ठीक है, बस खाली वन प्लस आई के जगह में वी से मल्टीप्लाई करेंगे, वी से। देखो कैसे करते हैं, ये पूरा मेरा टाइमलाइन हो गया, 0 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस वन और एन, एन पे कोई पेमेंट होगा क्या? नहीं होगा, 0 पे होगा 1 का पेमेंट, 1 पे होगा 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का और यहाँ पर n का। इसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू का नोटेशन देख लो, आई ए डी यू एन, आई स्टैंड फॉर सिंपल इंक्रीज, ठीक है, आई स्टैंड फॉर सिंपल इंक्रीज, ए डी यू एन तो अपने को पता ही है एडवांस का पेमेंट का है, तो क्या होगा बताओ, 1 इंटू वी टू दी पावर 0 प्लस, जल्दी बोलो, 2 इंटू वी टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बताओ एन वी टू दी पावर एन माइनस वन। अब अपने क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अब अपने क्या कर रहे हैं, एक बार इसमें आई ए डी यू नहीं लिख रहे, इसमें प्रेजेंट, इसमें अपने बी लिख रहे हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को अपने बी बोल रहे हैं, ठीक है, वी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब तुम वी से मल्टीप्लाई करेगा तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा, जब तुम वी से मल्टीप्लाई करेगा तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, वी, तो उसको यहां लिखेगा ना, मैच करके लिखना पड़ेगा, तो उस समय ऐसे सरकारे थे, अभी ऐसे सरकारे हैं, मैच करके लिखना पड़ेगा ना, एजीपी सीरीज को सॉल्व करने के लिए ऐसा ट्रिक अपनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो थ्री, अब देखो टू वी में जब तुम वी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, टू वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अब सुनो मेरा बात समझना, अब जैसे टर्म सरकार है ना, इसके पहले वाला जो टर्म था, इसके पहले वाला जो टर्म था वो क्या हुआ होगा, सोचो तो, एन माइनस वन वी टू दी पावर एन माइनस टू, बट उसमें जब तुम वी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा एन माइनस वन वी टू दी पावर एन माइनस वन, और एक प्लस में आएगा, और एक प्लस में आएगा, ये लास्ट वाला जो टर्म है इसमें क्या होगा, एक एन वी टू दी पावर एन, एक्सीलेंट, ठीक है। ये टाइमलाइन कॉपी हुआ है क्या तुम लोग का, टाइमलाइन कॉपी करो, अब क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है, अब जब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस वी बी, तो क्या होगा, वन माइनस जीरो, है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला में वन माइनस जीरो प्लस टू वी माइनस वी प्लस, यही होगा ना,
अगेन एन माइनस, एन माइनस वन इज वॉट, वी टू दी पावर एन माइनस वन, और नीचे वाला सब क्या है माइनस में है, तो क्या होगा माइनस एन वी टू दी पावर एन, तो बी कॉमन आ जाएगा वन माइनस बी। अब देखो सेम चीज आ गया दोबारा से, ए डी यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन, और वन माइनस बी क्या होता है, तो बी मेरा क्या हो जाएगा ए डी यू एन माइनस वी टू दी पावर एन बाय डी। एडवांस था तो डी तो आना ही था, है ना, इसका नोटेशन है आई ए डी यू एन, आई ए डी यू एन, सिंपल इंक्रीज एनविटी पेड इन एडवांस, आई ए डी यू एन। सिंपल इंक्रीज में क्या हो रहा है, पहला पेमेंट एक रुपए का हो रहा है और हर एक पेमेंट एक रुपए से बढ़ रहा है, बाकी अपना जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो टोटली सेम है। देखो वी वी स्क्वायर वी क्यूब वाला लॉजिक बिल्कुल ठीक है, और वन टू थ्री फोर का लॉजिक एक नया ऐड हो रहा है, उसी के लिए एडजस्ट करके अपने सॉल्व किए और कुछ भी नहीं किए, ठीक है। अब एक सम सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, आई ए टेन एट द रेट 9%, सो दिस इज वॉट ए डी यू टेन माइनस टेन वी टू द पावर टेन बाय 0.09, ठीक है। अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए डी यू टेन को सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 माइनस 1.09 टू दी पावर माइनस 10 बाय 0.09, ये वाला क्लियर है सबको, कौन सा नहीं आई ए टेन में भी तो ए डी है, चेक करो, यही तो क्रक्स है भाई इसका। हाँ न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है, आई ए में क्या है नीचे में आई है, और आई ए डी यू में क्या है नीचे में डी है, और न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर क्या है तुम बताओ न्यूमरेटर क्या है दोनों का, ए डी यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन, वेरी गुड। सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, क्या नहीं पूरा का फाइनल का, एक आंसर आया 30.79, 6.99, अच्छा फाइनल आंसर बताइए टोटल आई ए टेन का, आई ए टेन का आंसर बताइए,
कितना आ रहा है, 30.79। एक और निकालो, आई ए डी यू 20 एट द रेट 12%। सो ए डी यू 20 माइनस 20 वी टू द पावर 20 बाय 0.12 बाय 1.12। एंड ए डी यू 20 जो है 1 माइनस 1.12 टू द पावर माइनस 20 1 माइनस 1.12 टू द पावर माइनस 20 बाय 0.12 बाय 1.12। हाँ, 58.72। हुआ, आया आया सबका 58 पॉइंट।
ये लगा 8.36577 माइनस 20 इनटू 1.12 1.12 टू द पावर माइनस 20 इक्वल टू अगेन न्यूमरेटर आ गया अब डिवाइड 0.12 इक्वल टू अच्छा 0.12 डिवाइड में तो वो जो एकदम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 1.12 है वो ऊपर जाएगा हाँ 0.12 बाय 1.12 है ना तो जो बाय में जो 1.12 है वो तो ऊपर जाएगा ना तो इनटू 1.12 कर ठीक है ये पूरा चीज कैलकुलेटर में एक बार में फिट हो जाएगा तुम लोग कैलकुलेटर का वीडियो नहीं देखा इसीलिए प्रॉब्लम हो रही अब आइए नेक्स्ट केस में कंटिन्यूअस में आइए अब कंटिन्यूअस में दो पार्ट है इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है आप देखो जीरो से वन के बीच में थ्रू आउट द ईयर पेमेंट होगा बट एक रुपया का होगा फिर वन से टू के बीच में थ्रू आउट द ईयर पेमेंट होगा बट दो रुपया का होगा टू से थ्री के बीच में थ्रू आउट द ईयर पेमेंट होगा बट तीन रुपया का होगा एन माइनस वन से एन के बीच में थ्रू आउट द ईयर पेमेंट होगा बट एन रुपीज का होगा अब मेरा बात ध्यान सुनना तो एक साल का अगर कंटिन्यूअस एनविटी होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है ए बार वन तो पहला साल में क्या हो रहा है एक रुपया का कंटिन्यूअस एनविटी बन रहा है इसलिए वन इंटू ए बार वन ए बार वन का मतलब क्या होता है लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली फॉर वन ईयर प्लस टू इंटू ए बार वन ये सेकेंड ईयर का बोल रहा हूं सेकेंड ईयर में कितने का पेमेंट हो रहा है थ्रू आउट दो रुपये का बट पेमेंट कैसा हो रहा है कंटिन्यूअस इसीलिए ए बार वन बट अगर ए बार वन करेंगे तो वैल्यू कहां पर आएगा जीरो पे ना वन पे ये वाला जो है मैं बोल रहा हूँ ये साल दो रुपए का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस तो इसका जब मैं ए बार वन करूंगा तो वैल्यू तो यहाँ आएगा ना टाइम वन पे आएगा स्टार्ट पे आएगा तो यहां से यहां लेके जाने के लिए क्या फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वी से प्लस थ्री ए बार वन वैल्यू कहां पर आएगा टाइम टू पे फिर टू से जीरो पे लेके जाएंगे वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में एन ए बार वन क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है n का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट वैल्यू आएगा यहां पर क्योंकि a बार 1 किए यहां से n माइनस 1 इयर्स पुल बैक करेंगे इसलिए v टू द पावर n माइनस 1 इसको कॉपी करो इसको बोलते हैं इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस पेमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है बट हर साल सिंपल इंक्रीज हो रहा है पहला साल एक रुपया फिर दो रुपया फिर तीन रुपया एंड सो ऑन एक साल का अगर लेवल एनविटी है पेड कंटिन्यूअसली तो उसका इक्वेशन बनता है ए बार वन दो साल का अगर लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली है तो ए बार टू और हम लोग जो किए थे एन ईयर्स का कंटिन्यूअस एनविटी किए थे इसीलिए नोटेशन क्या बनाता है ए बार एन वन माइनस वी टू द पावर एन बाय डेल्टा वन माइनस वी टू द पावर एन बाय डेल्टा अगर तुम लोग यहां तक कॉपी किया है अगर तुम लोग यहां तक कॉपी किया है तो सबसे कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ ए बार वन सबसे आएगा कॉमन अंदर में क्या बचेगा वन प्लस टू वी प्लस थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन वी टू द पावर एन माइनस वन ये जस्ट अभी हम लोग किए चेक करो ये जस्ट अभी हम लोग किए हैं ये हम लोग किए हैं सिंपल इंक्रीज एनविटी पेड इन एडवांस ये हम लोग किए हैं सिंपल इंक्रीज एनविटी पेड इन एडवांस उसमें यही था ना टाइम जीरो पे वन होगा टाइम वन पे टू होगा टाइम टू पे थ्री होगा और टाइम एन माइनस वन पे एन होगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं ध्यान देना ए बार वन होगा वन माइनस वी बाय डेल्टा इंटू इसका क्या निकाले थे ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी है कि नहीं एंड वन माइनस वी क्या होता है वन माइनस वी क्या होता है जल्दी बताओ डी तो डी डी कट इसका जो फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन होता है आई सिर्फ ए के ऊपर में बार होगा और एन आई सिर्फ ए के ऊपर में बार होगा सिर्फ ए के ऊपर में बार क्यों हो रहा है बिकॉज इंक्रीज तो मेरा डिस्क्रीट ही है
बट पेमेंट क्या हो रहा है कंटिन्यूअस, तो यहां से क्या आएगा फॉर्मूला ए डी यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय डेल्टा। न्यूमरेटर अभी भी सेम है, तीनों केस में न्यूमरेटर क्या है ए डी यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय डेल्टा, ठीक है। इस केस को आराम से देख लो। यस वेदांत सर, वो वन माइनस वी और डी कैंसिल हो गया। हाँ वन माइनस वी डी होता है क्योंकि वन माइनस डी वी होता है। ओके सर। एक केस और लिखेंगे सब लोग, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। बोथ द इंक्रीज एंड द पेमेंट इज कंटिन्यूअस। दोनों अगर कंटिन्यूअस है तो ग्राफ देखो ऐसा बनता है, माने अब क्या होगा इंक्रीज भी कंटिन्यूअस है और पेमेंट भी कंटिन्यूअस है। तो अब यहां पर हम लोग लाएंगे पेमेंट स्ट्रीम। पेमेंट स्ट्रीम में क्या था, पेमेंट कंटिन्यूअस था एंड डेल्टा टी हम लोग यूज किए थे ना। अब यहां पर देखो क्या होगा, रो टी होता है रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, तो टाइम टी पे टी का पेमेंट हो रहा है एंड डेल्टा टी जो मेरा है वो है डेल्टा। टाइम पीरियड मान लो जीरो टू एन, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कॉपी करो पहले ये वाला, कॉपी करो पहले ये वाला, बेसिकली ये जीरो से पूरा टच होगा, ठीक है ना। इस केस में क्या ग्राफ बनेगा, छोटा सा बना लो। इस केस में क्या ग्राफ बनेगा, ऐसा स्टेप्ड ग्राफ बनेगा। देखो पहला साल एक रुपए का पेमेंट हो रहा है बट कंटिन्यूअस हो रहा है, फिर दूसरा साल दो रुपए का पेमेंट हो रहा है बट कंटिन्यूअस हो रहा है, फिर तीसरा साल तीन रुपए का पेमेंट हो रहा है बट कंटिन्यूअस हो रहा है, फिर चौथा साल चार रुपए का पेमेंट हो रहा है बट ऐसे स्टेप्ड बनेगा। बट वहां पर क्या हो रहा है ऐसे, ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ये ला ग्राफ बना लो। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखे हैं टाइम टी पे अगर टी का पेमेंट हो रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस करेंगे, कहां से कहां लाएंगे, जो पेमेंट टाइम टी पे हो रहा है उसको जीरो पे लाएंगे, डेल्टा डीएस होल इंटू क्या होगा कहां से कहां तक जीरो टू एन डी टी, हाँ कि ना। हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे, सो इंटीग्रेशन में आएगा जीरो टू एन टी ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी डी टी। इस पे हम लोग को लगाना पड़ेगा आई लेट रूल, याद आ रहा किसी को, इंटीग्रेशन में जो आई लेट रूल जो था, इंटीग्रेशन में जो आई लेट रूल था वो क्या था। अब इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये मेरा बनेगा U और ये मेरा बनेगा V। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, U इंटीग्रेशन ऑफ V माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ T, यही बनता है ना, डी डी टी ऑफ T इंटीग्रेशन में क्या आएगा e टू दी पावर माइनस डेल्टा T डी टी होल इंटू, ये दोबारा कर दे रहा हूं मैं, एक मिनट यहां पर आया नहीं पूरा, ये पहले यहां तक कॉपी करो, ये इसके ऊपर वाला कॉपी किया गया, अच्छा ये तो हो गया, पहले ये सब कॉपी कर लो। U इंटीग्रेशन V दोबारा देख लो, माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ T इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस डेल्टा T डी टी होल इंटू डी टी, उसके बाद में इसमें लिमिट्स डालेंगे कहां से कहां तक, जीरो से n, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दो, अब कुछ भी नहीं करना है। ये ऊपर वाला स्टेप कॉपी हुआ तुम लोग का, ये ऊपर वाला स्टेप कॉपी हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है, अब ध्यान दो। अब क्या करना है, टी ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी का क्या होता है बताओ तो, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा, ठीक है, माइनस डी डी टी ऑफ टी वन हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा डी टी, और ये पूरा चीज में फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे जीरो से एन। पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं।
कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हुआ लास्ट में बोलो, पक्का बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो कौन से स्टेप में। अब जैसे देखो t e टू द पावर माइनस डेल्टा t बाय माइनस डेल्टा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वन बाय डेल्टा आ जाएगा बाहर, लेकिन फिर दोबारा से e टू द पावर माइनस डेल्टा बाय e टू द पावर माइनस डेल्टा t बाय माइनस डेल्टा, ठीक है ना। और ये पूरा चीज में आप करेंगे क्या, वैल्यू पुटिंग, ठीक है, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, पहले यहां तक आराम से कॉपी कर लीजिए, कल सब लोग टेबल बुक लेके आएगा, टेबल बुक और जिसको रिविजन नोट मिल गया सब लोग लेके आएगा। अब ध्यान देना, तुम पहले एन डालेगा, तुम पहले एन डालेगा तो क्या आएगा, एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा, माइनस आएगा ना अल्टीमेटली, माइनस वन बाय डेल्टा स्क्वायर आ गया बाहर, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन, ये एन डालने से आया। फिर जब तुम क्या करेगा, माइनस में जब तुम जीरो डालेगा तो टी के जगह में जब जीरो डालेगा तो पहला वाला टर्म जीरो और जीरो माइनस वन बाय डेल्टा स्क्वायर, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज व्हाट, वन, है ना। तो ये आ रहा है अल्टीमेटली मेरा। अब इसी को अपने को सिंप्लीफाई करना है, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए आराम से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे बोलते ही नहीं हो तुम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो n e टू द पावर माइनस डेल्टा n बाय माइनस डेल्टा माइनस वन बाय डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर माइनस डेल्टा n प्लस है ना, तो माइनस करना पड़ेगा माइनस वन, अरे बाहर में माइनस कॉमन लिए ना, ठीक है। इसके ऊपर वाला स्टेप कॉपी हुआ क्या, ये वाला स्टेप कॉपी हुआ। अब देखो ये वाला जो है, अब अपने क्या कर रहे हैं ध्यान दो, अब अपने क्या कर रहे हैं यहां पर ध्यान देना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये ऊपर वाला स्टेप कॉपी हो गया। अब ध्यान देना, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा को यही रहने दो, मैं बोलता हूं मैं यहां पर प्लस वन बाय डेल्टा करता हूं, प्लस वन बाय डेल्टा है ना, तो माइनस वन बाय डेल्टा अंदर जाएगा, जब माइनस वन बाय डेल्टा अंदर जाएगा तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन, और यहां पर डेल्टा आएगा, माइनस वन बाय डेल्टा अंदर गया है तो माइनस वन इंटू माइनस वन बाय डेल्टा इज व्हाट, वन बाय डेल्टा, एंड ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन इंटू माइनस वन बाय डेल्टा इज व्हाट, माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा। ये क्या चीज का फॉर्मूला है बताइए, ये क्या चीज का फॉर्मूला है, कॉपी में देख के बताइए, लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली, लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली में क्या था, ए बार एन, लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली में क्या था, ए बार एन, हाँ कि ना, लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली में क्या था, ए बार एन, ठीक है। अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर वाला कॉपी हुआ, ये स्टेप कॉपी हुआ, ये वाला स्टेप कॉपी किया तुम लोग, ये वाला करो, आराम आराम से करो, होगा ऐसा कोई कुछ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, ये ऊपर वाला स्टेप कॉपी किया, ऊपर वाला स्टेप कॉपी किया, हाँ कि ना। आप देखो कितना सिंप्लीफाइड मैंने में दिखेगा, a बार n बाय डेल्टा माइनस n e टू द पावर माइनस डेल्टा n बाय डेल्टा, तो 1 बाय डेल्टा मेरा कॉमन आ जाएगा, a बार n माइनस एन वी टू दी पावर एन लिख सकते हैं क्या, अरे ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन क्या है, एन ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड वी टू दी पावर एन भी क्या है, वी टू दी पावर एन भी क्या है, एन ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो अल्टीमेटली यही आएगा अपना, हाँ कि ना, ठीक है, ओके। तो ये वाला देख लो एक बार, अब अपना जो फाइनल आंसर जो आ रहा है इसमें नोटेशन देख लेना, आई ए पूरा के ऊपर में बार होगा, पूरा के ऊपर में बार क्यों हो रहा है, बिकॉज इंक्रीज इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड द पेमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो फॉर्मूला बनता है मेरा a बार n माइनस n v टू द पावर n बाय डेल्टा। आपने आज चार फॉर्मूला किए सिंपल इंक्रीज में,
पहला वाला में क्या था, ए डी एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई, दैट वाज सिंपल इंक्रीज अरियर्स। फिर किए ए डी एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय डी, फिर किए ए डी एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय डेल्टा, जब इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस। फिर किए सिंपल इंक्रीज, जो है सिंपल इंक्रीज का केस में मतलब तुम्हारा इंक्रीज भी तुम्हारा क्या है कंटिन्यूअस है और पेमेंट भी क्या है कंटिन्यूअस उस केस में। एंड अब देखो आई ए होल बार एन में और आई ए बार एन में क्या फर्क है, ऊपर में जो है ऊपर में तुम्हारा एक जगह में आ रहा है ए डी यू एन, जब सिर्फ ए के ऊपर में बार है, और जब पूरा में बार है तो क्या आ रहा है ए बार। ठीक है, अब इस पे सम करेंगे। आइए सब लोग अपना कैलकुलेटर निकालिए, सब लोग अपना, ये कॉपी हो गया पूरा कि किसको कॉपी करना बाकी है, सबका कॉपी हो गया, चलो सम बनाएंगे, सोएगा नहीं कोई। आई ए बार 10, डेल्टा दिया हुआ 5%, तो आई ए बार 10 डेल्टा दिया हुआ 5% ना, तो ए डी यू 10 डेल्टा दिया हुआ 5% माइनस 10 वी टू दी पावर 10 बाय नीचे में क्या आएगा 0.05। अब अलग से सॉल्व करेंगे ए डी यू 10 व्हेन डेल्टा इज 5% तो क्या आएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.05 इंटू 10 बाय, अच्छा नीचे में डी चाहिए ना, नीचे में तो डी चाहिए लेकिन अपने को क्या दिया हुआ डेल्टा, तो अब अपने को पहले आई निकालना पड़ेगा, नीचे में तो अपने को डी चाहिए ना, अपने को क्या दिया हुआ डेल्टा। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे देखो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, ई टू दी पावर 0.05 माइनस 1 इज व्हाट आई, 1 प्लस आई इज ई पावर डेल्टा, तो ई टू दी पावर डेल्टा माइनस 1 क्या हो जाएगा आई। सॉल्व करो इसको एक बार, कितना आ रहा है आई बताओ, सॉल्व करो इसको एक बार और कितना आ रहा है आई बताओ, कितना आ रहा है बताइए, 0.05 127 क्या, ठीक है 127 डिवाइड बाय 1.05 127, हमेशा याद रखना डी क्या होता है आई बाय 1 प्लस आई, डी क्या होता है आई बाय 1 प्लस आई, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये अपने ये वाला सॉल्व किया एक पार्ट, एंड इसके बाद में दूसरा वाला जब अपने पार्ट सॉल्व करेंगे, जैसे अपने को बोला ना 10 वी टू दी पावर 10 निकालने, तो दिस 10 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.05 इंटू 10, 10 वी टू दी पावर एन इज व्हाट ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन। इंटरचेंजेबली यूज करना सीखो, हर समय माइंड को स्टिक मत करो, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन इज व्हाट वी टू दी पावर एन, यस और नो, सॉल्व करो इसको, अब आंसर निकालिए इसका, बताइए कितना आ रहा है। ऑनलाइन में सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, सॉल्व करो कोई छोड़ेगा नहीं।
आई ए होल बार 15, आई अपने को दिया हुआ है 5%, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें हमने निकालेंगे ए बार 15, सो दिस इज व्हाट 1 - 1.05 - -15, और नीचे में अपना आएगा डेल्टा विच इज ln 1.05, है ना। तो हो गया, बस और क्या, ये वाला सॉल्व कर लो। इसमें अपना आएगा a बार 15 माइनस 15 v टू द पावर 15 बाय 0.05। हाँ सॉरी, 15 यहाँ पर आएगा, डेल्टा आएगा ना, तो ln 1.05 आएगा। सॉल्व करिए इसको, मैं टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और फिर रिवाइज भी करिए, सॉल्व करिए। Thank you.
चलो ये वाला हुआ हाँ कितना आ रहा है इसका आंसर 70.1326 ठीक है एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो पेमेंट ऑफ 300 पर हाफ ईयर I2 इज 8% N इज 5 ईयर्स कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू 300 पर हाफ ईयर I2 इज 8% N इज 5 ईयर्स कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ठीक है सबसे पहले हेडिंग लगाना वर्किंग इन एनुअल जब एनुअल में काम करेंगे तो हर हाफ ईयर में कितना पेमेंट हो रहा है तो एक साल में कितना पेमेंट होगा कितने साल पेमेंट होगा एक साल में कितना बार और रेट कौन सा लेंगे I2 ले ले कि एनुअल इफेक्टिव रेट लेंगे एनुअल इफेक्टिव क्योंकि सब चीज सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए I2 8% है तो निकालो क्या आएगा 1.04 का स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करो कितना आ रहा है जिसको नहीं समझ में आया उसको पूरा रिविजिट करना पड़ेगा ये वाला चीज जिसको नहीं समझ में आया I2 अगर 8 है
तो हाफ ईयरली इफेक्टिव 4 होगा, फैक्टर बनेगा 1.04, दो हाफ ईयर का फैक्टर बनेगा 1.04 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 0.0816, है ना। अब एक बात बोले क्या, इसको आई मान के, इधर देखो, इसको आई मान के क्या निकालना पड़ेगा, अपने जब फॉर्मूला में बैठाएंगे, ये कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। हाँ, अब एक काम करो, मैं जहां तक पन्ना उठा रहा हूं ना, अब इसको एक फ्रेश सम मानो, इसको एक फ्रेश सम मानो, ठीक है। अगर इसको हम लोग फ्रेश सम मानेंगे तो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखना पहले, 600 1 माइनस 1.0816 टू द पावर माइनस 5, और नीचे में क्या आता था, आईपी, साल में दो बार पेमेंट हो रहा है, एनुअल इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, तो नीचे में अपने क्या निकालेंगे, आई टू, कल अपने किए थे ना फॉर्मूला, ए एन पी का फॉर्मूला कल किए थे ना, 1 माइनस v टू द पावर n बाय आई पी, तो आई किसको मानेंगे, आई किसको मानेंगे, 0.0816 को मानेंगे। वही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार जब इक्वेशन बन जाता है ना, तो भूल जाना कि ये क्या है, इसको आई मान के आई टू निकालेंगे। एक बार इक्वेशन बन गया ना, तो इसको आई मानना है उसके बाद, और इसको आई मान के आई टू निकालना है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, 1.0816 टू द पावर हाफ माइनस 1 होल इनटू 2 इज आई टू, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फाइनल आंसर फटाफट से बताइए कितना आ रहा है। हाँ, फाइनल आंसर पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको रख दो, अब इसको हम लोग हाफ ईयर से करेंगे। देखो, जिस भी टाइम पीरियड में काम करेंगे ना, उस टाइम पीरियड में मिनिमम एक पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाफ ईयर में पेमेंट हो रहा है, तो या तो इसको एनुअल में कर सकते हैं या फिर हाफ ईयर में कर सकते हैं, क्वार्टर में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पीरियड, मिनिमम एक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो क्वार्टर में अगर काम करेंगे तो क्वार्टर में तो पेमेंट हो नहीं रहा है, तो हाफ ईयर में काम कर सकते हैं। हाफ ईयर में देखो, हाफ ईयरली अमाउंट कितना है, 300, ए कितना साल है, कितना साल है, कितना साल है, 5, तो कितना आधा साल है, 10, हर आधा साल में कितना बार, हर आधा साल में कितना बार, हर आधा साल में कितना बार, एक बार। तो ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, नॉर्मल लेवल एनुइटी, और यहां पर रेट क्या यूज करेंगे, एनुअल इफेक्टिव की हाफ ईयरली इफेक्टिव, हाफ ईयरली इफेक्टिव कितना है, आई टू बाई टू, तो कितना आ जाएगा, 4%, समझा। अब इसको नॉर्मल लेवल एनुइटी का सम मान के करना है, तो नॉर्मल लेवल एनुइटी का जब सम मानेंगे, तो यहां पर आएगा 300 वन माइनस 1.04 टू द पावर माइनस 10 बाय 0.04, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। बोलो, ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल सब लोग लाएगा रिविजन नोट एंड टेबल बुक, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज ओवर, अब हम लोग सम्स बनाएंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सम्स, तो जो पहला वाला जो बुकलेट है, आई गेस दैट इज थियरी,
जो दूसरा वाला जो बुकलेट है वो हम लोग पूरा बनाएंगे आने वाला 3 डेज में, ठीक है। एंड फोर्थ डे टेस्ट है, मैं बता दिया 6 बजे, 1 घंटे का टेस्ट होगा वो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।